मीट द पटेल्स इज अ कॉमेडी, आउट एंड आउट कॉमेडी. इसमें कहीं पर भी आप अगर लॉजिक लगाने की सोचेंगे तो आप लगा सकते हैं, लेकिन आपके काम नहीं आएगा. सो इट्स अ स्टोरी चल रही है, स्टोरी चल रही है, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं वो नॉनसेंसिकल हैं. तो कहीं पर भी सेंस ढूंढने की कोशिश मत करिए. मैं भी नहीं लगा रहा ज़्यादा, आई एम जस्ट वर्किंग वेरी हार्ड टूवर्ड्स माई कैरेक्टर, जो कि जेरी पटेल का है, जो कि स्मार्ट है लेकिन सेंटिमेंटल है. तो होता है ना स्मार्ट लोगों के साथ कि स्मार्ट तो बहुत हो गए, बाल बना के बिखरा के, मतलब तुमने चीज़ें तो बहुत सारी बना ली, लेकिन शान पट्टी नहीं आती, शाना नहीं है. इज़ अ सेंटिमेंटल गाय, आपको रोते हुए देख लेगा तो एकदम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा. दैट्स द कैरेक्टर ऑफ जेरी पटेल एंड दिस इज़ व्हाट मीट द पटेल्स इज ऑल अबाउट. इट्स अ कॉमेडी ऑफ माइन्यूट एरर्स. सर मेरे को आना था इसी लाइन में, और मैंने जब अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की तो आई यूज़ टू डू वॉइस ओवर, आई यूज़ टू मिमिक, मैं वॉइसेस इमिटेशन करता हूँ. तो मैं रेडियो के लिए वॉइस ओवर्स करता था, और व्हेन आई फिनिश्ड माय इंजीनियरिंग ऐसे एक दिन कॉल आया आरजे बनेगा, और मेरा ये था कि बेटा इंजीनियरिंग हमसे ना हो पाएगी, ना तो काम हो पाएगा इंजीनियरिंग का. तो बस फैमिली के अगेंस्ट हुए 2-3 महीने, गॉट इन टू रेडियो, डिड स्टार्ट रेडियो फ्रॉम द स्क्रैच. मिलते गए शोज, मिलते गए, एक नाम बनता गया रेडियो में, और उसके बाद इवेंचुअली जाना तो एक्टिंग की तरफ ही था. आई डोंट नो हाउ, बट वही बोलते ना, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने. तो दिस इज़ माई ओम शांति ओम हैपनिंग टू मी. मूवी में बहुत सारे सीनियर एक्टर्स भी हैं, हमारे प्रोड्यूसर हैं, जो एक्टर्स हैं उनके पेरेंट्स हैं. इन सब से जब मिलवाना हुआ तो ये केतन सिंह है ऐसे बोल के तो कोई पहचानेगा नहीं केतन सिंह, वो करता क्या है. तो उधर रेडियो पे एक्टर कॉलिंग एक्टर एक आता है फरहान अख्तर एंड जावेद अख्तर की आवाज़ में, ये वो करते हैं. एंड देन द आइस यूज टू ब्रेक ओवर देयर कि अच्छा ये वो है. अगर अप्रैल में आकर आप मीट द पटेल्स देख रहे हो तो जिंदा हो तुम, एक साथ पूरे परिवार के साथ देख रहे हो तो और भी ज़्यादा जिंदा हो तुम. जस्ट वॉच इट, व्हाट डू यू थिंक. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.